नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। किसानों को दी गई गन्ने की नई प्रजाति की जानकारी। बता दें, गन्ना विकास परिषद काशीपुर के तत्वावधान में आम पोखरा गांव में एक गन्ना कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए गन्ना विभाग के प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार ने किसानों को गन्ने की नई प्रजाति के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कृषकों को बताया कि जब आप गन्ने का बीज का रोपण करें तो उसका शोधन जरूर करें, गन्ने के उत्तम क्वालिटी के बीजों का ही चुनाव किया जाए। अभी जुलाई का महीना है, इसमें जो कीड़ों का प्रकोप है उसके लिए दवा का छिड़काव करें। इस अवसर पर गन्ना कृषक बालम सिंह, संजय सिंह, प्रमोद सिंह, अशोक आदि के साथ साथ गन्ना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की अन्य खबरों पर। जयपुर के डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं का रहा शत प्रतिशत रिजल्ट। फैक्ट्री में घुसकर वीडियोग्राफी कर दी जान से मारने की धमकी, रिपोर्ट दर्ज। काशीपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति लापता। ITI थाना क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता। अब खबरें विस्तार से। जसपुर रोड स्थित फार्मेसी शोध एवं शिक्षण संस्थान ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एवं रिसर्च के डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम के छात्रों ने रुड़की स्थित उत्तराखंड प्रविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना, सचिव डॉक्टर अरुण सक्सेना, सभी मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर्स के द्वारा छात्रों को उपलब्धि पर शुभकामना दी गई। फैक्ट्री में घुसकर वीडियोग्राफी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक पेपर मिल के GM ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस को दी तहरीर में अलीगंज रोड स्थित एक पेपर मिल के GM ने कहा कि 29 जून की सुबह 8 बजे एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से फैक्ट्री परिसर में आया और वहां वीडियो बनाने लगा। पूछने पर वह फैक्ट्री मालिक के बारे में पूछताछ करने लगा। आरोपी ने जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। किसी कार्य से घर से निकला एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की है। लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी मोहम्मद शमी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके 47 वर्षीय पिता जरीफ अहमद 1 जुलाई की शाम 4 बजे किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। संभावित जगहों पर तलाश के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। ITI थाना क्षेत्र से एक किशोरी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। हेमपुर इस्माइल हिम्मतपुर निवासी राजेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 2 जुलाई की दोपहर 3 बजे से घर से गायब है। संभावित जगह और रिश्तेदारी में पता करने के बाद भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।